तो आज मैं लेकर आया हूँ एक्सेल का एक और अनोखा वीडियो। यहाँ बेसिकली है क्या कि जैसा आप इस डेटा में देख रहे हैं, इस डेटा में कुछ सेल्स यहाँ पर जगह जगह पर ब्लैंक दी गई हैं, यानी कि जहाँ पर डेटा नहीं लिखा हुआ, ये अलग अलग प्लेसेस पर है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि इन सारी सारी सेल्स को एक बार में, जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं उनको हटाना है मुझे, और उस सेल के साथ साथ उस पूरी एंटायर रो को, जहाँ जिसमें डेटा कम्प्लीट नहीं है, उस सारी रो को हटाना है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा? अगर मैं एक एक रो को ऐसी देखूंगा और किसमें सारी वैल्यू है या नहीं है, उसके बाद अगर डिलीट करूंगा टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, एक छोटी सी हेल्प लेते हैं। यहाँ हम यूज़ करेंगे काउंट ए फंक्शन। टैप करेंगे, टैप करने के बाद पूरे के पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक डेटा था। ये नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इक्वल्स टू 7, यानी कि ये काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि उन सेवन सेवन सेल्स के अंदर डेटा है या नहीं है, यानी इसको कैलकुलेट करके वो उसको शो कराएगा। अगर वहाँ पे डेटा होगा तो उसको ट्रू कराएगा, अदरवाइज अगर किसी भी सेल में डेटा नहीं है तो उसको फॉल्स दिखाएगा। इसको आपने एंटर करा और एंटर करने के बाद इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करा देते हैं। ड्रैग कराने के बाद अब हम ऊपर वाला जो हेडर है इसमें लगाएंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। फ़िल्टर लगने के बाद फ़िल्टर में से जाके सेलेक्ट करेंगे आप सिर्फ फॉल्स वैल्यू को, फॉल्स वैल्यू सेलेक्ट करके, तो ये देखिए सारी की सारी फॉल्स वैल्यू मेरी आ चुकी है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से जितना आपका डेटा था वो फॉल्स वाली वैल्यू के साथ, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ माइनस, ये करेगा डिलीट एंटायर शीट रो। इसको ओके करेंगे तो यहाँ से आपकी फॉल्स वाली वैल्यू हट चुकी है। अब वापस फिल्टर बजा कर आप ट्रू वाली वैल्यू को शो करा दीजिए, तो आपकी जिसमें डेटा कम्प्लीट था सिर्फ वही डेटा आपका यहाँ पर रह गया है, बाकी जिसमें भी डेटा अनकम्प्लीट था वो यहाँ से रो हट चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते हैं।